कदम कदम बढ़ाए जा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. सेमीफाइनल इन 2011, फाइनल इन 2015 एंड 2019 में न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ वो तो आप सबको पता है. दे वर द नॉन लूजिंग टीम. दैट्स राइट, दे डिडंट लूज. इंग्लैंड वन द ट्रॉफी, न्यूजीलैंड डिडंट लूज. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं. बट कैन दे कॉम्बैट ऑल दोज थिंग्स एंड टेक वन मोर स्टेप एंड स्टैंड एट दैट पोडियम एंड पिक अप द ट्रॉफी इन 2023. ये सबसे क्यूट टीम है, ये सबकी फेवरेट टीम है और दुनिया में किसी भी फैन से आप पूछ लीजिए, आफ्टर देयर ओन नेशनल टीम दिस इज देयर सेकंड फेवरेट टीम. और इनका जो स्क्वाड अनाउंसमेंट वीडियो था, अगर आपका दिल पिघल के मोम ना हो जाए तो आपका दिल दिल्ली पत्थर पत्थर पत्थर, स्टोन हार्टेड, कोल्ड हार्टेड, स्टोन हार्टेड. So they seem to have had some bad World Cup luck, but can that be on their side this time? In the last two editions, they were beaten by Australia and of course, as I said, 2019, we know what happened. But after that, they have come up strong and won the 2021 World Test Championship against India. So they do have an ICC trophy. Can they get another one? हमारे फेवरेट केन विलियमसन हैज बीन अनाउंस्ड द कैप्टन ऑफ द साइड. आप सबको याद होगा गुजरात का पहला मैच व्हेन ही गॉट दैट हार्ट ब्रेकिंग इंजरी एंड ऑफ कोर्स हैड टू गो बैक टू न्यूजीलैंड. ही हैज नॉट प्लेड एनी प्रोफेशनल क्रिकेट सिंस देन. लाइक केन विलियमसन, टिम साउदी विल बी प्लेइंग हिज फोर्थ वर्ल्ड कप एज वेल. उनके साथ ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी एंड टॉम लेथम विल बी प्लेइंग देयर थर्ड. एज ऑलवेज न्यूजीलैंड ने एक्सपीरियंस प्लेयर्स पर फोकस किया है और उनकी एक्सपीरियंस स्क्वाड ने हमेशा रिजल्ट डिलीवर किया है. But they've got youth as well. Rachin Ravindra, young Mark Chapman, Devon Conway, Daryl Mitchell and Glenn Phillips. सारे तोड़ू प्लेयर. Actually Conway इतने young नहीं है, मैंने आपको कौन कर दिया. मतलब नहीं है, नए खिलाड़ी, upcoming खिलाड़ी, upcoming. As everyone knows, India has spinner-friendly pitches. So obviously spinner पे सबने भार दिया है. न्यूजीलैंड भी तीन स्पिनर लेकर आ रहे हैं, रचिन रविंद्रा, मिचेल सैंटनर एंड ईश सोधी. मिचेल सैंटनर और सोडी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है. रचिन रविंद्रा उनके अपकमिंग टैलेंट है. और भाई इनका जो नाम है ना, आपको शायद पता नहीं, इनके पेरेंट्स राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के फैन है, तो उनका नाम मैश करके उन्होंने इनको नाम दिया रचिन. अगर इस डबल धमाल मैशअप ने हाफ कमाल भी दिखा दिया तो ऑपोजिशन का मैश पटेटो बन जाएगा. लेट्स थिंक ऑफ सम अदर मैशअप्स. रोहित एंड विराट, सुनील गावस्कर, कपिल देव, विवियन रिचर्ड, क्लाइव लॉयड. किसी का नाम है कि बेन स्टोक. नहीं, वापस आ गए. In terms of their all-rounders, there's Daryl Mitchell, there's Jimmy Neesham, and then there's Glenn Phillips, who is a double all-rounder. कुछ भी करा लो, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, उड़ के कैच भी पकड़ लेते हैं, टीम की बस भी चला लेते हैं, प्लेन भी उड़ा के ले आते हैं, कुकिंग भी कर लेते हैं, सारी लॉन्ड्री भी संभाल लेते हैं, सबका किट बैग भी संभाल लेते हैं. सर में थोड़ा भावुक हो गया. पर जिमी नीशम की जगह टीम में बनेगी या नहीं ये पता नहीं, पर अगर उन्होंने वो फॉर्म दिखाया जो वो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं तो फिर काफी धमाका मचा सकते हैं. One advantage for New Zealand, two of their big games against India and Australia are happening in धर्मशाला. और धर्मशाला जो है ना, उसकी कंडीशंस बिल्कुल न्यूजीलैंड जैसी है. कहाँ? वेलिंगटन, विंडी वेलिंगटन, सेम टाइप की है. भाई गया है, भाई को पता है. नहीं, मैं गया हूँ, देखा मैंने, बहुत सेम है. And the big news for them after 1 year of being out of ODI cricket, Trent Boult is back. और Trent Boult का अगर आप पासपोर्ट चेक करें तो उनका एड्रेस उसमें लिखा होगा first 10 overs. That's because he owns them. New Zealand's strength is of course their pace bowling, and they will need Kane Williamson definitely to be the backbone of that batting attack if they need to get big scores, which you will need in India. Ben Stokes, नहीं, वापस आ जाओ.